Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any update caused whenever we upload any new video. You'll get a notification on your phone. मैं रामकृपाल नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश और चित्रकला का कार्य करता हूँ। यहाँ पर अहमदाबाद में रविशंकर रावल कला भवन गुजरात ललित कला अकादमी में हमारी एक 4 दिवसीय एकल चित्रकला प्रदर्शनी जो चित्रलतिका शीर्षक से लगाई गई है। इस कला एक प्रदर्शनी का मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर सूर्य साम्राज्ञी भारत रत्न परम आदरणीय लता मंगेशकर जी पर मुख्य रूप से केंद्रित है। यहाँ पर लता जी के लगभग हमने 35 चित्र लगाए हैं और 10 चित्र अन्य शीर्षकों पर आधारित हैं। लता दीदी के कुछ ऐसे चित्र भी यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं जो बहुत सारे चेहरों से जिसमें बहुत सारे चेहरे बनाए गए हैं। जैसे एक कलाकृति यहाँ पर ऐसी प्रदर्शित की है हमने जो एशिया बुक रिकॉर्ड और इंडिया बुक रिकॉर्ड में शामिल की गई है। इस कलाकृति की विशेषता यह है कि इसमें 1436 चेहरे बनाए हैं। इसी तरह से एक पेंटिंग ऐसी है जिसमें 930 चेहरे हैं। ये पेंटिंग 2016 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल की गई थी। इस कलाकृति की विशेषता यह है कि इसमें विश्व की सुप्रसिद्धतम महिलाओं के 630 चेहरे हैं, 299 चेहरे लता दीदी के हैं, एक माँ सरस्वती के हैं। इस तरह से इसमें टोटल कुल 930 चेहरे हैं और जो 630 चेहरे हैं वो उन महिलाओं के हैं जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि बहुत महानता हासिल की है। इस तरह से कुछ एक पेंटिंग है जिसमें 4359 चेहरे बनाए हैं, वो भी लता दीदी का है। इस तरह से बहुत सारे चित्रों की काफ़ी कलाकृतियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं और ये सारे चित्र ऑयल कलर से बने हैं। और हमारी ये 17वीं चित्रलतिका प्रदर्शनी अभी चल रही है, आज 21 तारीख है, आज आखिरी दिन है इस कला प्रदर्शनी का। और इस तरह से और भी अन्य शीर्षकों पर आधारित चित्र हैं। एक खास विशेषता और बताना चाहूँगा, जो पेंटिंग हमारी जिसमें 930 चेहरे बने हैं उस पेंटिंग के कारण हमारा लता दीदी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर से इस कलाकृति को हस्ताक्षर किया है और 29 जून 2014 को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद से हमें कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि ज़्यादातर काम हम लता दीदी पर ही करने लगे। और यह हमारी 17वीं चित्रलतिका प्रदर्शनी है, आगे यह श्रृंखला और भी जारी रहेगी। आशा करते हैं
कि ईश्वर से प्रार्थना है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक ये श्रृंखला चलती रहे। यहाँ पे और भी कलाकृतियाँ लगाई हैं हमने, जो जो अन्य शीर्षकों पर आधारित, जैसे एक राम दरबार है। राम दरबार जो हमने बनाया है, वो आपने बहुत सारे राम दरबार की पेंटिंग देखी होगी, परंतु इस राम दरबार में हमने ऐसा कुछ चित्रित करने की कोशिश की है कि राम और रावण के युद्ध के बाद में जो बचे हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण पात्र थे, जो रामचरितमानस में जिनको जिनका वर्णन है, उन्हें चित्रित करने की कोशिश की है। इस तरह से एक हनुमान जी का चित्र भी बनाया है, जो बहुत ही सात्विक और शांत मुद्रा में बनाया है। और भी कलाकृतियां हैं, गणेश जी की है, बुद्धा जी की है, और भी ऐसे अन्य कलाकृतियां हैं। माँ सरस्वती का चित्र है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। इस तरह से और भी कलाकृतियाँ हैं, और दीदी के चित्र हमने काफ़ी बार बनाए हैं और घर में रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लगभग 35 चित्र ही प्रदर्शित किए हैं।